नरसिंह जी, आज कांटे की टक्कर होगी और भीम की धाक तो आपको पता ही है, चारों तरफ फैली हुई है और वो आ रहा है भीम। भीम, ये है शंकरगढ़ के बहुत बड़े जमींदार किक्कर सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चंदनपुर का पहलवान भीम, जो 21 कुश्तियां लड़ चुका है, अब 22वीं कुश्ती लड़ने जा रहा है, और दूसरा पहलवान वजीरपुर का बजरंग, वो भी यहां आ गया है। तोहफा मेरी तरफ से लो। क्या गबरू जवान है, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। नमस्ते बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, मुझे भीम की माता जी से मिलना। मैं ही भीम की माँ हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर आइए। मैं किक्कर सिंह हूँ, शंकरगढ़ का रहने वाला। बैठिए। जलेबी की तरह बात घुमा फिरा कर करने की मुझे आदत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि मैं अपनी बेटी रानो के लिए आपके बेटे भीम का हाथ मांगने आया हूं। ये सब जानते हुए भी? मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है। आप माँ बेटे ने दिन रात मेहनत करके बंजर जमीन को उपजाऊ बनाई है, बिना मेरी औकात जाने। देखिए, हीरे को चिथड़ों में रख देने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। रानो मेरी इकलौती बेटी है, भगवान ने सब कुछ दिया है, बस आपके हाँ करने की देर है। मुझ गरीबनी की तरफ से तो हाँ है, लेकिन आप देखिए, मैंने रानो की माँ से बात कर ली है, जल्दी मैं एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। अच्छा। अरे
मुंह तो मीठा करके जाइए। मैं लड़की वाला हूँ, मुंह मीठा करता नहीं, करवाता हूँ। शगुन के वक्त ढेर सारी मिठाई लेकर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। तो मुझे ऐसे विदा करने आई है जैसे मुझे लौट कर ही नहीं आना हो। तेरा क्या भरोसा? घबराओ नहीं, मैं जल्द ही मां को लेकर आऊंगा और तुझे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अरे सोनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोड़िए भीम, छोड़िए ना। अरे बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। कौन सा किला फतह कर लिया है? अरे भीम की माँ ने रिश्ता कबूल कर लिया है, अब जल्द से जल्द मुहूर्त निकाल कर शादी कर देंगे। किसको मारूं? इसको मार। क्या बताऊं, करण की माँ इतनी बीमार हो गई थी कि वो अचानक उसे शहर के किसी अस्पताल में ले गया। कौन से अस्पताल में? पता मुझे तो क्या, गांव के किसी भी आदमी को मालूम नहीं, सारा गांव उनके लिए परेशान है। कुछ नहीं कर सकता करण, कुछ नहीं कर सकता, we are helpless। दीदी, पप्पू, करण का कुछ पता चला? करण और उसकी माँ का कहीं पता नहीं चला। क्या कह रहे हो? करण की माँ इतनी बीमार थी, वो उसे इलाज के लिए कहाँ लेके गया किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं? करण की माँ का क्या होगा? वो तेरा रिश्ता लेकर रानू के पास नहीं जा सके। नहीं माँ, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। नहीं बेटा, हम मौत पर किसी का कोई वश नहीं होता। ऐसा नहीं कहते माँ। तेरी माँ की एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? जरूर पूरी करूंगा माँ, बोल बोल माँ। जब रानू को बच्चा पैदा होगा ना, तभी 21 भिखारियों को खाना खिला देना। हाँ, मुझे वचन दो। हाँ? वचन दो। हाँ माँ, बोल बोल माँ।
बेटी सच मानो तो तेरा असली घर वही है जहां तू जा रही है। हम माँ बाप तो तुझे पालने वाले नौकर थे, लेकिन जाने से पहले अपने बाप की एक बात याद रखना बेटी, औरत धरती होती है जो सब कुछ सहती है लेकिन शिकवा नहीं करती। आज हमारी बेटी औरत बनकर जा रही है, अपने बाप की लाज रखना बेटा। मेरी बच्ची बहुत याद आएगी तेरी। दीदी दीदी